For updates regarding all competitive exams, subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so that you never miss a notification. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडवांस्ड इंग्लिश बाय राजेश्वर शर्मा में, और यह है टॉपिक नंबर 28। इस पर्टिकुलर एसे को आप बहुत ढंग से समझें, क्योंकि ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा और आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे किसी न्यूट्रल टॉपिक पे लिखना कितना मुश्किल होता है, और आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आप एक ऐसे टॉपिक पे लिख सकते हैं या नहीं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देखिए, मैंने ये ऐसे लिखा है और ये मैंने आज ही लिखा है, और इसका टॉपिक है ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं लाइफ में, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती हैं। देखिए, मैंने कोई गवर्नमेंट स्कीम चूज नहीं करी, मैंने एक ऐसा टॉपिक लिखा है जो अगर एग्जाम में आ गया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट ऑन अ टॉपिक लाइक दिस, क्योंकि इस टॉपिक का कुछ सिर पैर नहीं होता। आपको अपने दिमाग से सब कुछ इसमें इनपुट डालना होता है और ऐसे को लिखना होता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कीम में आपके पास बहुत सारा डेटा होता है और आप उसे कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। इस तरह के टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करते हैं एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए, और जो आपकी राइटिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। मैंने इसे बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा है, और देखिए जो मेरे दिमाग में जो तरीका आया ऐसे किसी टॉपिक को लिखने का, उसको आप भी एक बार देख लीजिए। एंड प्लीज डू लेट मी कि आपको और क्या तरीके आते हैं ऐसे टॉपिक को लिखने के, और प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताएं, प्लीज टेल मी इन दी कमेंट्स। अब अपना टॉपिक है ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। तो मैंने स्टार्ट करा कैन वी स्टॉप टाइम, क्या हम समय को रोक सकते हैं, और कंट्रोल इट टू एन एक्सटेंट वेयर वी कैन चेरिश इट्स फ्रूट्स टू अ बाउंड इटर्निटी। मैंने पर्सनली थोड़ा सा ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हुए बताया है। मैंने स्टार्ट करा है कि क्या हम समय को रोक सकते हैं या उसे एक ऐसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं जहां हम समय के द्वारा दिए गए फ्रूट्स को एक बाउंड इटर्निटी तक यूज कर सके। देखिए, इटर्निटी होता है अनंत, जो कि कभी खत्म नहीं होता, बट मैंने ये वर्ड यूज किया है बाउंड इटर्निटी। मान लीजिए हमारी एज है 80 इयर्स तक, या हम 80 इयर्स तक जीते हैं, तो क्या हम हमारी उस 80 इयर्स की लाइफ में कुछ चीजों को एकदम ढंग से एंड तक एंजॉय कर सकते हैं? तो मैंने ये पूछा है, फिर मैंने लिखा प्रोबेबली नो। मैंने एक क्वेश्चन पूछा और उसी का मैंने आंसर दिया प्रोबेबली नो। यहाँ पे नो की जगह आई गेस नॉट आएगा, तो आप इसको बताइएगा देख के। तो मैंने अपना ऐसे स्टार्ट किया एक क्वेश्चन से, जिसका आंसर भी मैंने खुद ही दिया कि क्या हम समय को रोक सकते हैं, मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद मैंने लिखा ऑल वी कैन डू इज एंजॉय द ऑफरिंग्स ऑफ नेचर एंड मैनकाइंड, यहाँ पे कॉमा आएगा, ऑफरिंग्स ऑफ नेचर एंड मैनकाइंड फॉर द टाइम दीज गिफ्ट सर्वाइव एंड टिल वी बेड आर फाइनल गुड बाय। अब मैंने ये बताया कि क्या हम समय को रोक सकते हैं, क्या हम समय को इतनी हद तक रोक सकते हैं कि जो भी गिफ्ट हमें समय ने दिया है उसको हम एंजॉय कर पाए, मैंने आंसर लिखा नो। उसके बाद मैंने लिखा हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो संसाधन हमें नेचर और मैनकाइंड देता है उसे हम तब तक यूज कर सकते हैं कि जब तक या तो वो गिफ्ट सर्वाइव करें या हम जब तक जिंदा हैं, हम इन दो टाइम तक ही उन गिफ्ट्स को यूज कर सकते हैं जो हमें नेचर देता है। अभी शायद थोड़ा आपको शायद इसका फ्लो समझ में नहीं है, बट धीरे धीरे मेरे साथ रहिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सो व्हाट आई हैव डन इज आई एम सेइंग दैट कैन वी स्टॉप टाइम, देन आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन दैट नो वी कैन नॉट स्टॉप टाइम एंड वी कैन नॉट कंट्रोल टाइम, ऑल व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय एवरीथिंग दैट द नेचर एंड द मैनकाइंड इज ऑफरिंग अस। क्योंकि टॉपिक ये है कि हर चीज एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, तो पहले मैंने टाइम का पर्सपेक्टिव दिया, फिर मैंने बताया कि हम उस टाइम में एक्चुअली कर क्या सकते हैं या हमारे हाथ में चॉइस ही क्या बचती है। फिर मैंने आगे लिखा एवरीथिंग हैज अ टाइमलाइन एंड मस्ट फ्लरिश ग्रो एंड डीके, हर चीज की एक टाइमलाइन होती है, वो फ्लरिश होती है, वो बढ़ती है और वो डीके मतलब वो खत्म हो जाती है। एवरीथिंग ग्रोज एंड इट फाइनली गोज टू एन एंड मींस इट डाइज। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की जगह लिखा बी इट द एम्पायर्स ऑफ अशोका और अलेक्जेंडर who with their unwavering strength and disposition left a dent in time and a legacy still adored and followed। मैंने यहाँ पे लिखा हर चीज ग्रो होती है और फाइनली खत्म हो जाती है। फिर मैंने उसके एग्जाम्पल दिया, बट मैंने फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा, बी इट का मतलब भी सेम ही है कि जो अशोक और अलेक्जेंडर थे, जो वो जो महान राजा थे, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी डिस्पोजिशन मतलब उनकी जो पर्टिकुलर हैबिट है या जो उनका इंक्लिनेशन है पर्टिकुलर उनके कैरेक्टर का, उससे उन लोगों ने एक डेंट इन टाइम किया, मतलब उन्होंने समय पे एक छाप छोड़ी और उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं या एडमायर करते हैं, एडोर करते हैं।
अब क्योंकि मैंने बी इट दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके बाद कम से कम दो एग्जाम्पल आएंगे। अगर मैं ऐसे बोलूं बी इट इंडिया और पाकिस्तान बोथ आर गुड कंट्रीज, मतलब इंडिया हो या पाकिस्तान दोनों ही अच्छी कंट्रीज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि बी इट द एम्पायर, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा और मैं बीच में और लगाऊंगा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं फटाफट से। बी इट द एम्पायर्स ऑफ अशोका और अलेक्जेंडर हु विद देयर अनवेवरिंग स्ट्रेंथ एंड डिस्पोजिशन लेफ्ट अ डेंट इन टाइम एंड अ लेगेसी स्टिल अडोर्ड एंड फॉलोड, और द पायस इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड टर्न्ड इनटू क्रुएल्टी एंड ग्रीड बाय द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ऑल दैट वॉज विल नॉट बी फॉर एवर। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए कि हर चीज लाइफ में बदलती है। अगर वो अशोक थे या अलेक्जेंडर थे, उनका इतना ग्रेट एम्पायर था, तो वो भी एक दिन खत्म हो गया। और मैंने एग्जाम्पल दिया कि छोटे बच्चे की जो इनोसेंस होती है वो भी क्रुएल्टी और लालच में बदल जाती है इस जिंदगी की हार्डशिप्स में आके। उसी तरह जो चीज थी ये नहीं है कि वो हमेशा रहेगी। तो मैं धीरे धीरे उस आइडिया को इलैबोरेट कर रहा हूँ कि ऑल गुड थिंग्स विल इवेंचुअली कम टू एन एंड। और मेरा यहाँ पे ये लाइन लिखने का एक मोटिव और था कि जो एग्जामिनर है उसको ये लगे कि हाँ मैं टॉपिक के आसपास ही हूँ, मैं टॉपिक से आगे पीछे नहीं जा रहा। Even our beloved Mother Earth will collide and fragment into stardust in some million years. मैंने ये बताया कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी मदर अर्थ है, वो भी एक दिन टकरा जाएगी किसी और प्लैनेट से और खत्म हो जाएगी और स्टारडस्ट बन जाएगी। तो मतलब कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, चाहे तो वो मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए हो या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए हो। और आगे मैंने लिखा, मोर्टैलिटी इज अ विप ऑफ नेचर, Everything and everyone takes a taste of. मतलब नेचर हर चीज को कंट्रोल करता है और एक दिन सब हर चीज को खत्म हो जाना है। Everything and everyone takes a taste of. मतलब जो लगाम है नेचर की, जो कि मोर्टैलिटी को कंट्रोल करती है, उसको हर इंसान को और हर चीज को टेस्ट लेना पड़ता है, मतलब भुगतना पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि नेचर के इस रूल को कि सबको एक दिन मरना है एस्केप कर सके। ठीक है, तो मैंने ये लिखा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट मुझे ये लगा कि ऐसा ऐसे आए तो मैं ऐसे ही लिखने वाला हूं एट एनी कॉस्ट अंटिल एंड अनलेस मुझे इससे बेटर को एग्जांपल्स मिल जाएं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज दैट नथिंग इज फॉरएवर एंड एवरीथिंग विल गो टू एशेस इन द लॉन्ग रन, बी इट आवर बिलव्ड मदर अर्थ, एंड ईच एंड एवरी वन हैज टू गो अंडर द हैमर ऑफ जस्टिस ऑफ द नेचर। इसके बाद मैंने वापस से एक एग्जाम्पल दिया है, वो मैंने ये दिया है। देखिए मेरा मोटिव ये है कि मैं ये दिखाऊं कि पहले कुछ था और बाद में कुछ हो गया, या तो वो चीज खत्म होगी या वो किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म होगी। क्योंकि आप देखिए दो ही चीजें होती है, अगर एक अच्छी चीज है वो खत्म होगी तो या तो वो टोटली खत्म हो जाएगी या यूजुअली ये होता है कि उसकी जगह कोई दूसरी चीज आ जाती है, तो मीन्स थिंग्स आर इवन रिप्लेस्ड। अब आगे देखते हैं, मैंने एक लास्ट एग्जाम्पल दिया है, इवन द एज ऑफ चार्ल्स बैबेज बल्कि कंप्यूटर्स, तो जो चार्ल्स बैबेज थे जो हु वाज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, उनके टाइम पे जो बल्कि कंप्यूटर्स थे, वो जो एज थी बल्कि कंप्यूटर्स की, हैज ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब बदल गई है। इवन द एज ऑफ चार्ल्स बैबेज बल्कि कंप्यूटर्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 300 ग्राम हैंड साइज्ड डिजिटली स्मार्ट सिलिकॉन स्क्रीन। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मोबाइल फोन, थोड़ा सा मैंने ज्यादा दिमाग लगाते हुए इसको थोड़ा सा मैंने इलैबोरेट करके लिखा है। देखिए आप चाहे तो मोबाइल फोन्स भी लिख दीजिए बट वो बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो मैंने ये लिखा कि बदलाव तो चार्ल्स बैबेज की जो कंप्यूटर एज थी, जहां बहुत बड़े और बहुत भारी कंप्यूटर होते थे, वो जो एज थी वो भी ट्रांसफॉर्म हो गई है। किस चीज में? 300 ग्राम के हाथ में फिट होने वाले एक डिजिटली स्मार्ट सिलिकॉन स्क्रीन से, जो कि एक मोबाइल फोन है। हो सकता है कि फोन 300 ग्राम का नहीं हो, बट मैंने यहाँ पे कोई डेटा नहीं बताया है, मेरा सिर्फ मोटिव यह है कि मैं बताऊं कि मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ या मैं टेक्नोलॉजी के अंदर जो ट्रांजिशन आया है उसकी बात करना चाह रहा हूँ। What I am trying to say is that change has occurred even in the deepest forms of technologies also. From the age where the computer made by Charles Babbage was considered the best, but now we believe that a smartphone is the best thing to use. We will not be going and we will not be using big and hefty computers. So there is a transformation in technology also. Means nothing is permanent, no matter how good we think it is. Eventually it will change, it will die, or it will be replaced by something else. अब यहां तक तो मैंने ये बता दिया कि चीजें बदलती है, बट अब मैंने मेरा पॉजिटिव आउटलुक देखते हुए बताया कि ठीक है चीजें बदलेंगी, अब हो सकता है कि चीजें खत्म हो जाएं या वो किसी चीज से रिप्लेस हो जाएं,
बट हम क्या करें अगर हम उस चीज का मजा लेना चाहते हैं। However, the bottom line remains the same, that change is inevitable. Inevitable means something which cannot be avoided. ये हमारा one word भी है। मतलब चेंज तो होके रहेगा, यही बॉटम लाइन है, यही कटु सत्य है। अगर हम पूरे शब्द पढ़ते हैं, However, the bottom line remains the same, that change is inevitable. So one must fulfill his heart and mind with the pleasure and benefits a person or thing offers. ठीक है, ये यहां मैंने ये लिखा है कि चेंज तो होके रहेगा, चीजों में डेफिनेटली बदलाव होगा, तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उन चीजों का मजा उठाएं जो हमें लाइफ में मिलती है, और वो मजा हम उठाएं हमारे मन को और हमारे दिमाग को फुलफिल करके। मैंने यहां पे कुछ एक मिस्टेक करी है, सो वन मस्ट फुलफिल हिज हार्ट एंड माइंड विद द प्लेजर्स, यहां पे प्लूरल आएगा, एंड बेनिफिट्स अ पर्सन और अ थिंग ऑफर्स। अ फ्रूट इज गुड ओनली टिल इट राइप्स, मतलब एक फ्रूट तभी तक अच्छा है जब तक वो पका हुआ है, उसके बाद वो फ्रूट भी खाने लायक नहीं होता। तो अगर आप ज्यादा वेट करेंगे किसी चीज का तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। आपके लिए अच्छा यही है कि सही टाइम पे आप उसका एंजॉयमेंट लें अपनी लाइफ के अंदर, और एकदम फुलफिलमेंट की फीलिंग रखें कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग रखें। ऑल थिंग्स कम टू एन एंड और आर रिप्लेस्ड बाय अ बेटर सेल्फ। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जो उनको टॉपिक मिलता है बच्चे उसी चीज को वापस रिपीट करते हैं। तो रिपीट तो मैंने भी किया है, बट मैंने यहाँ पे ऑल गुड थिंग्स नहीं लिखा, और मैंने इसके साथ कि वो खत्म हो जाती है मैंने ये भी लिखा है कि वो बेटर से भी रिप्लेस हो जाती है। ऑल थिंग्स कम टू एन एंड और आर रिप्लेस्ड बाय अ बेटर सेल्फ। आवर एम शुड बी टू इवॉल्व विद नेचर, हमारा एम ये होना चाहिए कि हम नेचर के साथ खुद को इवॉल्व करें, हम आगे बढ़े समय के साथ। इवन अ फॉरेस्ट फायर मेक्स वे फॉर फर्टाइल लैंड्स, अगर जंगल की आग भी एक उपजाऊ धरती के लिए रास्ता बनाती है तो हमें भी लाइफ में इवॉल्व करना चाहिए। और चाहे चीजें खत्म हो जाए कुछ टाइम बाद, पर जब तक वो चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती हैं हमें उनसे सीखना चाहिए और इन्हें एंजॉय करना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट मोर्टैलिटी इज एन इनहेरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड नॉट द एंड ऑफ इट, हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज का खत्म होना अंत नहीं है उस चीज का, बट ये तो जीवन का चक्र है कि जो चीज आई है वो एक दिन जानी है। और हमें ये सीखना है कि जो मोर्टैलिटी है वो एक एस्पेक्ट है लाइफ का, वो लाइफ का एंड नहीं है। अगर कोई मर जाता है तो वहां पे लाइफ खत्म नहीं होती, अगर आप लाइफ में बहुत से काम का अच्छे करते हैं तो आपको याद करा जाता है, और अगर हम उनके अच्छे कामों से सीखे तो हमें उनके जाने का दुख नहीं होगा। दो वी विल फील पेन बट एट द सेम टाइम वी विल लर्न फ्रॉम देम, सो दैट इज द होल मोटिव ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑल गुड थिंग्स विल कम टू एन एंड। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको इस ऐसे को समझने में या तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आए, मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा, और जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इस ऐसे को एक बार पढ़ें, और मेरा मोटिव यही है कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर ऐसे लिखूं, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है और ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देते हैं और आपको बहुत ही नए तरीके से सोचना पड़ता है। ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है जिसमें आप कुछ डाल देंगे डेटा, यू हैव टू यूज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच व्हेन यू राइट एन एसे लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, नाउ इट इज योर टाइम टू रिव्यू माय एसे एंड प्लीज गिव मी मार्क्स, एंड इफ यू हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।